गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ और हमारी एक्सरसाइज है 6.2। इसमें हम पहला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित भिन्नों के अंश और हर लिखने। हमें क्या करना है, हमें यहाँ बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, उनके भिन्न लिखे हुए हैं, तो हमें क्या है अंश और हर लिखना है। तो पहला प्रश्न हम लेंगे कौन सा है, पहला सवाल कौन सा लिखा हुआ है, 3/5। तो इसका हमें क्या करना है, अंश और हर लिखना है। तो रेखा के ऊपर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और रेखा के नीचे हर लिखा जाता है। तो हमें अंश और हर रेखा, मतलब ये देखो ये लाइन लगाई है मैंने, जो ऊपर जो लिखेंगे वो क्या होगा, अंश होगा। ये रेखा मतलब लाइन के जो ऊपर लिखा होगा वो अंश होगा, और जो लाइन के नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, हर होगा। तो बस हमें वही लिखना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो तीन, तीन क्या है, अंश है, और पांच, पांच क्या है, हर। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा करेंगे, नंबर 2/7/11। ठीक है, अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि आप अंश और हर बताओ। तो इसमें कौन सा होगा, अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो बताया मैंने रेखा के ऊपर वाला तो क्या है, अंश, और रेखा के जो नीचे है वो है हर। तो ये है अंश और हर। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसमें कौन सी संख्या है, 2/3। नंबर 4/1/3। पहले अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2/9, 3/8। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें अंश और हर, अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर जो रेखा के ऊपर वाली लाइन होगी वो अंश होगी, और जो रेखा के नीचे की लाइन है वो क्या होगी, हर होगी। यहाँ भी 2 क्या है, अंश है, और 9 क्या है, हर है। ठीक है, यहाँ 2 क्या है, अंश, सॉरी 2 क्या है, अंश, और 3 क्या है, हर। तो ऐसे ही आपको लिखने हैं, ये है अंश, और लाइन के जो नीचे संख्या है वो क्या है, हर। ठीक है, ये हुए हमारे सवाल। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में बहुत से सवाल दिए हुए हैं जिसके क्या है, भिन्न लिखे हुए हैं, हमें अंश और हर लिखने हैं। तो बस ये इतना ही याद रखना है कि जो रेखा के ऊपर की जो संख्या है वो अंश होगा। रेखा किसे बोला गया, इस लाइन को, और हर किसे कहते हैं, लाइन के जो नीचे वाली संख्या होगी वो क्या है, हर होगी। अब हम क्या है, दूसरा प्रश्न करेंगे, दूसरा करते हैं। इसमें हमें भिन्न दिए हुए थे, दूसरा प्रश्न हम करेंगे, भिन्न लिखिए। ठीक है, जिनका अब क्या है, पहले हमने क्या किया था, भिन्नों के अंश और हर लिखे हुए थे, लेकिन अब हमें क्या है, उनके भिन्न लिखने हैं। हमें ये संख्या दी गई है, ठीक है, अंश हर, और अंश कितना दिया हुआ है, 7, और हर कितना दिया हुआ है, 11। तो हम इसे क्या, कैसे लिखेंगे, हम इसे बटा में लिखेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, रेखा के ऊपर वाली लाइन तो क्या है, अंश होगा, और रेखा के जो नीचे वाली लाइन होगी वो क्या है, हर होगा। रेखा मतलब लाइन, एक सीधी लाइन, उसके ऊपर वाली संख्या अंश होगी और नीचे वाली हर होगी। जैसे ये लिखा ही गया, जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप उसके बीच में एक लाइन लगा दो, तो ये क्या हुआ हमारा, अंश और हर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये संख्या लिखी हुई है, लिखना है तो आप अलग से लिख दो। ये प्रश्न लिखा हुआ है, अंश हुआ 7 और हर हुआ 11। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा भी करेंगे। यहाँ अंश भी दिया हुआ है, हर भी दिया हुआ है, लेकिन उसे क्या है, उसे भिन्न रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम इनके बीच में एक लाइन लगा देंगे। लाइन नहीं लगाते तो हम क्या है, अलग से वो संख्या लिख देंगे। जैसे 3/4, इसे हमने लिख दिया 3/4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे वाला करेंगे। इसमें क्या करना है, इसी में भी वही करना है जो दोनों में हमने किया था, अंश लिखना है, फिर क्या लिखना है, हर लिखना है। तो लिखेंगे हम, पहले अंश लिखा और हर
लिख दिया। याद क्या रखना है कि लाइन के ऊपर वाली संख्या तो होगी अंश और नीचे वाली होगी हर, बस ये चीज़ आप याद रखना। और वैसे तो क्वेश्चन में ही आपको जैसे सही से लिख के दिया गया है, आप यहाँ लाइन लगा दोगे तो क्या ये अपना आंसर यहीं पे निकल गया, ये क्या है अपना आंसर बन गया 7/9। लाइन लगा दी, अलग से लिखना है तो अलग से लिख लो, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें अंश और हर करना है, तो हमने 1 लिखा अंश, 3 लिखा हर। इसी तरह हम आगे वाला करेंगे, पहले हम अंश लिखेंगे, फिर लाइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे हर। तो ये कितना हुआ 3/8, तो कितना हुआ 3/8, लाइन लगानी है 1। अब क्या करेंगे, अंश और हर लिखेंगे, 6 तो अंश है, 7 है हर, तो कितना बना 6/7। अब हम करेंगे आगे वाला, अंश कितना है 1 और हर कितना है 10, तो क्या बना 1/10, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 6.2। ये आप अपनी नोटबुक में करोगे, बुक में और भी बहुत से सवाल दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप अपनी नोटबुक में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में करना।